दिवाली का त्यौहार खुशियों और रोशनी का त्यौहार है। इस दौरान देश भर के अलग अलग इलाकों में कई परंपराएं भी निभाई जाती है। दिवाली के त्यौहार पर तेल, घी, दूध और तमाम तरह की सब्जियां शामिल की जाती हैं। हर राज्य में लोग अलग अलग तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में दिवाली के दिन कुछ अलग ही परंपराएं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। दक्षिण भारत में भी दिवाली खास तरह से सेलिब्रेट की जाती है। केरल और तमिलनाडु के कई इलाकों में दिवाली के दिन लोग सुबह सुबह उठकर तेल से नहाते हैं। अधिकतर लोग तेल में तिल डालकर भी नहाया करते हैं। ये भले ही एक परंपरा है, लेकिन इसका कनेक्शन सेहत से भी है। कैसे, चलिए जानते हैं। तेल से नहाने के कई फायदे होते हैं। जब ये परंपरा शुरू हुई थी, तब सर्दियां ही इसकी एक मुख्य वजह थी। तिल के तेल से नहाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। सर्दी के मौसम में ऐसा करने से सर्दी जुकाम से भी बचने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, इससे संक्रमण भी शरीर तक नहीं पहुंच पाता। तेल से नहाने से हड्डियों की सेहत दुरुस्त होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के चलते जोड़ों को भी आराम मिलता है। इतना ही नहीं, तेल कई बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है। तेल से नहाने पर गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां भी दूर हो सकती हैं। तेल से नहाने पर हड्डियों को काफी राहत मिलती है। इससे हाइड्रेशन भी बना रहता है और हड्डियों से जुड़ी बीमारियां भी नहीं होती है। तिल के तेल में कई तरह के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो सेहत को कई तरह के लाभ पहुंचाने का काम भी करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं और सर्दी जुकाम जैसी कई समस्याओं से बचने का काम करते हैं। तिल वाले तेल एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जो स्किन से जुड़ी कई समस्याओं से बचाने में भी हमारी सहायता करता है। तिल का तेल डिटॉक्सिफिकेशन और मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, जो हमारी स्किन को साफ कर मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही है हमारे साथ। नमस्कार।